बकरियों को काटने की एक खास मशीन है। इसे काटने वाला शख्स एक एक हड्डी को परखता है, पहचानता है कि हड्डी में से तेल निकलेगा या नहीं, ये उसे अच्छी तरह मालूम है। ये हड्डियों को इस हिसाब से काटता है कि बोन मैरो सामने उभर कर आ जाता है। जब हमने इससे पूछा यहाँ क्या हो रहा है, तो वो अनजान बना रहा जैसे उसे कुछ मालूम नहीं। अपन काटना सीख लिए, अभी कोई भी काम धंधा नहीं, अब काटना आता है तो मैं काट रहा हूँ। अभी किस काम में आ रही ये नहीं मालूम, हड्डी आ रही है गिर रही जब गिर के मैं काट के फेंक रहा हूँ। दुकानों पर आती है पूरा स्टेट में से हैदराबाद में। अभी स्टेट का तो मेरे को नहीं मालूम, ये तो स्टेट को मालूम होगा। अब आपको ले चलते हैं बड़ी बड़ी भट्टियों के पास, जहां इन हड्डियों से तेल निकाला जाता है। इससे तेल निकालने की हड्डियों को उबाला जा रहा है। काफी देर तक उबालने के बाद इन हड्डियों से तेल निकाला जाएगा। हड्डियों से तेल निकालने के बाद इसे इन्हें सुखाया जाएगा और इनका पाउडर बना दिया जाएगा। हड्डियों को ये पाउडर टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियों को सप्लाई किया जाता है। इंडिया टीवी की टीम ने यहां काम कर रहे मजदूरों से बात की, लेकिन किसी ने अपने मालिक के बारे में कुछ नहीं बताया। यहां से गाड़ियां लोड करना हमारा काम है, माल जलाते हैं, माल पैकिंग कर देते हैं, बस उसके बाद जला से पाउडर को पैक करते हैं। हाँ, पाउडर को पैक करते हैं, हड्डियों का पाउडर को। हाँ, हड्डियों क्या करते हैं फिर? हड्डियों का पाउडर वो तो सेठ को मालूम। ये पाउडर, यही पाउडर। हाँ, यही पाउडर। ये पाउडर कैन नहीं करते क्या? किसको? ये पाउडर को पूरा छाटते हैं, उसको पूरा व्हाइट पीस निकाल के वो पैकिंग होता है, काला पीस पैकिंग होता है। इस कारोबार से सबसे ज्यादा परेशान है जलपल्ली गांव के लोग। कई बार यहां के लोगों ने प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ गाय का, भैंसों का, कुत्तों का, गधों का काम भी मर जाते हैं रोड के ऊपर। ये कलेक्ट बॉय रहते हैं ना, वो सबको कलेक्ट करते हैं, कांटे से भी हड्डियां कलेक्ट करते हैं, मरियों से हड्डियां भी कलेक्ट करते हैं। उन लोगों को पैसा आने का है, इन लोगों को ऐसे किलो के हिसाब से बेच के वो लाके हमें। यहाँ बना तेल इस्तेमाल कहाँ होता है, ये जानने के लिए हमने हैदराबाद में इस कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक एनजीओ से बात की। They are boiling it unauthorizedly and they are packing this extracted animal fat as a dalda or substitute for dalda and oil, and they are supplying to the hotels of the Hyderabad. In another byproduct is calcium, that is from the bones, that boiled bones will be crushed into a paste and they will make a calcium paste and export to the toothpaste industries. तहकीकात के दौरान पता चला कि हड्डियों से बने तेल के बारे में हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जानकारी है। कई लोगों ने होटल मालिकों के खिलाफ शिकायतें भी की हैं। जो तेल ये निकालते हैं ये खाने की चीज नहीं है, ये आप सोप्स में यूज करते हैं, शैम्पूस में यूज कर सकते हैं, मगर खाने के वास्ते लायक नहीं है। मगर इसमें से और एक पदार्थ निकलता है, उसका नाम है जिलेटिन। उसको अगर आप प्रॉपरली आप प्रोसेस करें, प्यूरिफाई करें, तो इसको आप आइसक्रीम्स में या शैम्पूस में उसमें इसमें इस्तेमाल करने का चांस है। मगर वो सब ये लोग कर रहे या ना कर रहे हमको ये तो पता नहीं है। इस खतरनाक तेल के बारे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के सीनियर साइंटिस्ट सुदर्शन ने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। जानवरों की हड्डियों का तेल खतरनाक हो सकता है, साइंटिस्ट क्या कहते हैं ये हम आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप इससे सावधान रहें, टूथपेस्ट ऐसी चीजें बनाने में हो सकता है, लेकिन कंज्यूमर को यह साफ साफ बताया जाना चाहिए कि टूथपेस्ट में जानवरों की हड्डियों का पाउडर है और ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है।